Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will discuss supervised application of hot pack electrical heating pads, that is the part of semester 6 OSP. So what is thermotherapy? It is the application of heating sources subcutaneously, yani ki skin surfaces pe jo hum thermal agents laga rahe hain for therapeutic purpose, taki hame jahan pe bhi superficial ya deep tissues mein heating chahiye treatment ke purpose ke lihaz se is pure procedure ko hum thermotherapy keh rahe hote hain. To application of heating pad is thermotherapy. Isme kya hota hai? हीटिंग एजेंट्स बेसिकली हम इसको कहेंगे कि हम यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हीटिंग एजेंट्स हमारे पास हीटिंग पैड्स, हाइड्रोक्लेटर्स और जो भी हीटिंग मोडालिटीज सब आ जाती हैं. तो इसमें क्या होता है कि हमारे जिस भी एरिया पे हम वहाँ अप्लाई करते हैं वहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, जिसकी बेसिस पे एनर्जी जनरेट होती है. और जब एनर्जी जनरेट होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है बॉडी टेम्परेचर्स के कंपेरिजन में, और जो भी हमें थेरेपी पर्पज़ चाहिए, ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए हमें जो इफेक्ट्स चाहिए वो प्रोड्यूस होते हैं. तो वी हैव टू टाइप ऑफ थर्मोथेरेपी. नंबर वन एज सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी, सेकेंड एज डीप थर्मोथेरेपी. जहाँ पर हमें स्किन के सुपरफिशियल एरिया में हीटिंग रिक्वायर्ड है तो वहाँ हम सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी यूज़ करते हैं. और जहाँ पे हमें डीप जाना है टिश्यूज़ तक, कितना 3 to 5 centimeters, तो वहाँ हम डीप थर्मोथेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं. सुपरफिशियल में लेस देन 2 centimeters है, और इसमें हमारे पास मोडालिटीज़ आती हैं जो सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी में यूज़ होती हैं. नंबर वन इज हॉट पैक, सेकेंड इज वर्लपूल, थर्ड इज़ पैराफिन वैक्स. और जब हम डीप थर्मोथेरेपी की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड एंड शॉर्ट वेव डायथर्मी आती है. सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी में सबसे पहले हमारे पास है हॉट पैक्स. आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो हॉट पैक्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड्स भी होते हैं, और हाइड्रोक्लेटर की फॉर्म में भी हमारे पास हॉट पैक्स हैं. बेसिकली अगर आप पिक्चर में देखें, ये हाइड्रोक्लेटर है, ये जो इलेक्ट्रिकल हाइड्रोक्लेटर्स हैं. तो जैसे आप इलेक्ट्रिकली ऑन करते हैं, इसमें पानी गर्म होता रहता है, और ये जो है आप इसके अंदर ये हीटिंग पैड्स आप इसमें से रखते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं. और दूसरे हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड होते हैं जो कि वायर से भी चल रहे होते हैं. सेकेंड हमारे पास आता है पैराफिन बैथ. पैराफिन बैथ्स में हमारे पास वैक्स होती है, तो वैक्स हॉट होती रहती है, और इसके बेसिस पे आपको जो अफेक्ट्स चाहिए आप यूज़ कर लेते हैं. थर्ड हमारे पास आता है वर्लपूल या फ्लूइडोथेरेपी, जिसमें हम वाटर को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं और उसको हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, और उसकी बेसिस पे हम इसको वर्लपूल फ्लूइडोथेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं. लेकिन ये तीनों क्या हैं? सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटीज़ हैं. देन हमारे पास डीप थर्मोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड आता है. अल्ट्रासाउंड एक मशीन है जहाँ पे हमें डीप हीटिंग पर्पस के लिए चाहिए होता है, वहाँ हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं. देन शॉर्ट वेव डायथर्मी, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी में एक मशीन है जहाँ पे हमें डीप स्ट्रक्चर्स तक जाना है, वहाँ हम शॉर्ट वेव डायथर्मी यूज़ कर रहे होते हैं. ट्रांसफरिंग हीट एनर्जी टू एंड फ्रॉम द बॉडी ट्रांसफर. सो हीट ट्रांसफर जो होती है वो कैसे होती है? नंबर वन, इस लास्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ चुके थे कि कंडक्शन कन्वेक्शन क्या प्रोसीजर्स होते हैं. अगर आपने नहीं प्रेजेंटेशन देखी तो आप उसको देख सकते हैं, उस पर हमने सारे प्रोसीजर्स डिटेल में एक्सप्लेन किए. कंडक्शन के जरिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही, डाटा फ्रॉम हीटिंग पैड. रेडिएशन इज इंफ्रारेड. कन्वेक्शन में फ्लूइडोथेरेपी जो हम यूज़ कर रहे हैं. कन्वर्जन में हम शॉर्ट वेव डायथर्मी यूज़ कर रहे हैं. वेपोरेशन में जो हम स्प्रेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं. देन हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग देखें तो हमें फिजियोलॉजिकली क्या मिल रहा होता है? जब भी हम हीटिंग अप्लाई कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वेजो डायलेशन होती हैं, यानी कि जितनी भी हमारी वेजल्स हैं वह डायलेट होती हैं. जब भी वेजल्स डायलेट होंगी तो सर्कुलेशन के लिए एरिया ज़्यादा मिल जाएगा, और आपकी सर्कुलेशन फ्लो 1.5 to 2 times ज़्यादा बढ़ जाएगा. जब भी सर्कुलेशन बढ़ेगी, बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा. बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, और पल्स और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेंगे. और डिक्रीज क्या होगा? आपका पेन कम होगा. देन मसल टोन या स्पैसम अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाएगा, और टिश्यू स्टिफनेस है तो वो भी रिड्यूस होगी. तो फिजियोलॉजिकली अगर हम देखें, पेन, टोन, मसल टोन, स्पैसम या टिश्यू स्टिफनेस क्या हो रही है? कम हो रही है. अब हम देख लेते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, यानी कि आपकी जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र जो हो रही होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. अगर वो फैक्टर्स कम या ज़्यादा होंगे तो उसकी बेसिस पे हीट एनर्जी कम या ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी. इसके 7 फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नंबर वन इज डेंसिटी, थिकनेस एंड टाइप ऑफ रेडिएटिंग टिश्यूज, यानी कि जो भी जिस भी एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के टिश्यूज की डेंसिटी कैसी है, थिकनेस कैसी है, और रेडिएशन अब्जॉर्ब करने की उन टिश्यूज की क्या क्या
क्या क्वालिटी है, क्या टाइप है। सेकेंड इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू मटेरियल्स। अगर दो मटेरियल्स हम यूज़ ले रहे हैं, अगर स्किन है और दूसरा मटेरियल है, तो अगर उसके टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा होता है तो उसको एनर्जी ट्रांसफ़र होने में टाइम ज़्यादा लगता है। थर्ड इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी भी हम लास्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको जाके देख लीजिएगा। देन टोटल कॉन्टैक्ट एरिया। एरिया ज़्यादा होगा तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा। देन है इंटेंसिटी एंड साइज ऑफ रेडिएशन। जो आप रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, और उसके साइज़ कितना है। देन डिस्टेंस फ्रॉम रेडिएटिंग सोर्स। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग एनर्जी ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा। देन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो हीट एनर्जी ज़्यादा देर के लिए ट्रांसफ़र हो सकेगी। देन हम बात करते हैं इंडिकेशंस की। आपको पता है कि एक्यूट कंडीशन में हम हीटिंग थेरेपी नहीं यूज़ करते। एक्यूट कंडीशन में आप सिर्फ क्रायोथेरेपी यूज़ करते हैं, यानी कि आइस थेरेपी आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो हीटिंग मोडालिटीज़ आपको कभी भी एक्यूट कंडीशन में यूज़ नहीं करनी है। सब एक्यूट या आप क्रॉनिक में यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्यूट ना हो, सब एक्यूट या क्रॉनिक हो, पेन जहाँ है, एडिमा है, मसल स्पैज़म को कम करने के लिए, या जनरल मसल सोरनेस हो जाती है, या आपको टिश्यू हीलिंग चाहिए कहीं पे, या आपकी रेंज ऑफ मोशन कहीं पे कम हुई हुई है, या हेमाटोमा फॉर्म हो गया तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, या मसल्स एडिशंस हो गए हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आप हीटिंग थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एक्यूट कंडीशन में आपको हीटिंग थेरेपी नहीं यूज़ करनी, यानी कि 48 आवर्स जब भी इंजरी होगी उसके शुरू के 48 आवर्स तक आपको हीटिंग थेरेपी नहीं यूज़ करनी। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, उन पेशेंट्स पे जहाँ पे थर्मल रेगुलेशन का मसला हो, यानी कि जिनको हीटिंग जो है महसूस होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, उन्हें जिस एरिया में सही ना हो, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो फुट होता है स्पेशली, और भी एरियाज हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन, लेकिन जो फुट में स्पेशली उन्हें महसूस नहीं हो रहा होता है, तो वहाँ पर जो थर्मल रेगुलेशन है उनका पुअर होता है। देन एनेस्थेटिक एरिया, जहाँ पे किसी को भी जो बेहोश करने के लिए एनेस्थीजिया दिया हो, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई नहीं करते। न्यूरोप्लाज्म या कैंसर में भी आप अप्लाई नहीं करते हैं। देन थर्मोफिलेबाइटिस पे आप अप्लाई नहीं करते हैं। देन अगर कोई रीसेंट या पोटेंशियल हैमरेज का पेशेंट है, उसमें भी अप्लाई नहीं करेंगे। या कोई भी इस तरह का पेशेंट जिसकी सर्कुलेशन यानी जो ब्लड सप्लाई है वो इम्पेयर्ड हुई हुई है, कोई भी ऐसी डिजीज़ हो सकती है और उसके नतीजे में उसकी सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो सकती है, उसमें भी आप अप्लाई नहीं करेंगे। या पुअर थर्मल रेगुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया न्यूरोपैथिक फुट या हैंड बताया, और या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे इन्फेक्शन है या उसके आसपास इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड एरिया के आसपास भी आप अप्लाई नहीं करते हैं। प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप ध्यान से अप्लाई करेंगे। प्रिकॉशंस में सबसे पहले जो प्रिकॉशंस है कि आई और जेनाइटल एरिया में आप अप्लाई नहीं करेंगे। देन एब्डोमिन एरिया में, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यंग या बहुत ज़्यादा ओल्ड पेशेंट है, बहुत ज़्यादा यंग मतलब चाइल्ड है, बता नहीं सकता है उस, या बहुत ज़्यादा ओल्ड है, उसको भी थोड़ा सा बताने में टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें भी आप अप्लाई नहीं करेंगे। वो भी आप पेशेंट देख लेंगे कि अगर आपको बता सकता है तो अप्लाई कर सकते हैं। मेंटल रिटार्डेड पेशेंट, ऑब्वियसली आपको पता है कि जिनकी मेंटल एबिलिटीज़ ख़राब हो रही होती हैं वो आपको सही से नहीं बता सकते हैं, तो अगर आप उनको लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स आपको बता सकते हैं, आप उनसे पहले बात कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इसको थर्मोथेरेपी अप्लाई कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्डिक इंसफिशेंसी के पेशेंट्स को, या वो एरिया जहाँ बॉडी में मेटल इम्प्लांट्स हैं, यानी कि मेटल इम्प्लांट्स जब भी होगी बॉडी में तो उस एरिया की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हुई होगी, तो उसमें भी आपने नहीं अप्लाई करना। और वो एरिया जहाँ पर टॉपिकल एनेस्थीजिया दिया हो या डर्मेटोलॉजिकल एनोमलीज हो, अब डर्मेटोलॉजिकल एनोमलीज में आप असेस कर लें, अगर आपको लग रहा है कि अप्लाई कर सकते हैं तो बस प्रिकॉशंस है कि आप इन कंडीशंस में अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ध्यान से।
एडवर्स इफ़ेक्ट्स यानी कि क्या जो मसला है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, बर्न हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है या फेंट भी हो सकता है पेशेंट। अगर आपने सही से अप्लाई नहीं किया या पेशेंट आपको नहीं बता सकता है तो हो सकता है, या वहाँ पे मेटल इम्प्लांट हो तो उसमें फिर हो सकता है कि काफ़ी देर तक लगा रहे तो पेशेंट को बर्न भी हो सकता है, या अगर ट्रॉमा है या हेमोफीलिया है तो उसके रिजल्ट में ब्लीडिंग हो सकती है, या अगर पुअर जो है पेरिफेरल सुपरफिशियल वेजो डायलेशन है उसके बेसिस पे बीपी डिक्रीज हो जाता है तो पेशेंट फेंट भी कर सकता है। तो आपको जब भी थर्मोथेरेपी अप्लाई करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्स इफेक्ट्स के अंक जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज ये तीन इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कंपैरेटिव कंसिडरेशन फॉर थर्मोथेरेपी अगर हम देखें तो हॉट पैक और पैराफिन मॉइस्ट हीट है जबकि फ्लोरिडोथेरेपी ड्राई हीट है। अब टेम्परेचर रेंज देखें तो हॉट पैक की 70-76 सेंटीग्रेड होती है, पैराफिन की 51-54 और फ्लोरिडोथेरेपी की 43-52। आपको पता है कि हॉट पैक और पैराफिन कंडक्शन के थ्रू हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और फ्लोरिडोथेरेपी कन्वेक्शन के थ्रू। हीटिंग पैटर्न देखें तो हॉट पैक और पैराफिन का फिर टाइम कम होता रहता है जबकि फ्लोरिडोथेरेपी का कॉन्स्टेंट रहता है। देन कपलिंग मीडियम देखें तो हम इसमें टॉवल से कवर कर रहे होते हैं जबकि पैराफिन में स्किन इंटैक्ट होती है, डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं, और फ्लोरिडोथेरेपी में कोई भी कपलिंग मीडियम नहीं होता। बॉडी एप्लीकेशन देखें तो हॉट पैक में हम ज़्यादा बॉडी एरिया फ्लैट या लार्ज एरिया होता है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पैराफिन हमें इररेगुलर बॉडी पार्ट्स पे ही चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमिटीज़, फुट या एंकल हो गया या रिस्ट या हैंड हो गया। और फ्लोरिडोथेरेपी का है कि हम इसमें पूरी बॉडी की लिम्स यानी अपर लिम्स लोअर लिम्स यूनिलैटरली या बायलैटरली दोनों ले सकते हैं। एप्लीकेशन ड्यूरेशन देखें तो हॉट पैक का 20 मिनट्स है, पैराफिन और फ्लोरिडोथेरेपी का 30-30 मिनट्स भी हो सकता है आराम से। हॉट पैक एक्सपेंसिव है, महंगा नहीं है, आराम से आप खरीद के घर पे भी रख सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं घर पे, मसला नहीं है। पैराफिन भी इनएक्सपेंसिव है, होम घर पे भी यूज़ किया जा सकता है, और सर्कमफेरेंशियल हीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फ्लोरिडोथेरेपी में हम देखें तो उसमें सर्कमफेरेंशियल हीट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्री लिंब मूवमेंट हो जाती है, कंट्रोल्ड एंड स्टेबल टेम्परेचर हम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान हम जो टेम्परेचर चाहें उसको मेंटेन कर सकते हैं। हॉट पैक का डिसएडवांटेज देखें तो कोई लिंब मूवमेंट नहीं हो सकती, आपको स्टेबल होकर लेटना पड़ेगा, और पैराफिन बाथ में आपको जो है सिर्फ कुछ एरियाज पे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी आपको लिंब मूवमेंट नहीं चाहिए। फ्लोरिडोथेरेपी एक्सपेंसिव बहुत है, लिंब मूवमेंट तो हो सकती है लेकिन ये महंगा बहुत है। सो दीज आर द रेफरेंस बुक्स यू कैन रीड फ्रॉम दीज बुक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you.